देश में कोरोना की कहर से हड़कंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अलग अलग शहरों में कुल 28 कोरोना के मरीजों की पुष्टि, इनमें से 3 मरीज ठीक। दिल्ली में इटली से आए 21 में से 17 पर्यटकों में कोरोना वायरस होने की एम्स ने की है पुष्टि। पॉजिटिव आया टेस्ट। सभी इटली के पीड़ित पर्यटकों को दिल्ली के छावला में ITBP कैंप में रखा गया। नोएडा के स्कूली बच्चों और परिजनों को कोई खतरा नहीं। सभी 6 संदिग्धों का टेस्ट नेगेटिव। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा जांच नेगेटिव होने के बाद भी 6 लोगों को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के संदिग्ध मिलने के बाद करतारपुर यात्रा को लेकर बढ़ी चिंता। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी कड़ी नजर। कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जारी की एडवाइजरी। होली नहीं मनाने की दी नसीहत। कहा कोरोना को लेकर सतर्कता अभियान चलाएं। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफदरजंग हॉस्पिटल में 1 कोरोना पीड़ित की मौजूदगी का दिया हवाला। सीएम केजरीवाल के मुताबिक एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। बाहर से आए 1000 से ज्यादा यात्री निगरानी में। संसद में आज भी रही दिल्ली दंगे की गूंज। हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक 11 मार्च को लोकसभा और 12 मार्च को राज्यसभा में होगी दिल्ली दंगे पर चर्चा। उन्नाव रेप मामले में पीड़ित की पिता की हत्या के केस में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सुनाया फैसला। पटना में हॉस्टल लौट रही एक छात्रा को मारी गई गोली। PMCH में कराया गया भर्ती। कदमकुआं इलाके में वारदात। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने मुंबई में मनाया अपना जन्मदिन। टाइगर श्रॉफ के साथ डांस के बाद काटा केक। बागी 3 में टाइगर श्रद्धा साथ।